मैं हूं अब्दुस्सैन शेख, आपका खैर मकदम है। 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में इंटरनेशनल ऑनलाइन ड्राइंग कंपटीशन में पहले स्थान पर। कोविड वायरस के कारण पिछले 4 महीनों से राज्य के सभी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ऐसे हालात में स्टूडेंट की प्रतिभा को निखारने के लिए क्रिएटिव स्टोरीज सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने इंटरनेशनल लेवल पर ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया था। इससे भाग लेने वाली हुबली की अर्णा अंगड़ी ने पहला स्थान हासिल करके शहर का नाम रोशन किया है। कोविड-19 वायरस का असर इस विषय पर ड्राइंग निकालना था। अर्णा ने अपने ड्राइंग के जरिए गरीब और अमीर लोगों पर हो रहे कोविड-19 वायरस के कहर को काफ़ी प्रभावपूर्ण अंदाज में पेश किया। 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आयोजित इस स्पर्धा में 9 साल की अर्णा ने पहला स्थान हासिल किया। यह शहर के रोटरी पब्लिक स्कूल में 4थी क्लास में पढ़ती हैं। इस स्पर्धा में 10 देशों के करीब 110 बच्चों ने भाग लिया था। कल से सरकार के खिलाफ राज्य भर में एहतजाज। देवेगौड़ा, भू सुधार कानून, APMC कानून में बदलाव वगैरह रहित विरोधी कामों को लेकर सरकार का विरोध करने के लिए कल से एहतजाज शुरू करने की जानकारी देते हुए आज बेंगलुरु के JP भवन में अपने पक्ष के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए पूर्व PM और JDS पक्ष के वरिष्ठ देवेगौड़ा ने कहा कि हासन जिले से इसकी शुरुआत की जाएगी। सिर्फ 200 लोग इसमें भागी रहेंगे। सरकार के खिलाफ घोषणाएं भी नहीं की जाएंगी। जिला अधिकारी को मनवी पत्र सौंपा जाएगा। इसी तरह कुल 30 जिलों में कोविड वायरस को देखते हुए सोशल डिस्टेंस और मास्क का ख्याल रखा जाएगा, बताया देवेगौड़ा ने। तलवार समुदाय के लोगों को SC प्रमाण पत्र देने की मांग। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों तलवार समुदाय को परिशिष्ट वर्ग में मिलाया है, जिसके कारण राज्य में तलवार समाज के लोगों को SC वर्ग का प्रमाण पत्र दिया गया है। मगर वाल्मीकि समाज के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है। इसी को देखते हुए तलवार समुदाय के लोगों को SC प्रमाण पत्र देने से इनकार किया जा रहा है। आज बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए पूर्व विधायक शरणप्पा सुनगार ने कहा कि अगर तलवार समुदाय के लोगों को प्रमाण पत्र न दिया गया तो अगस्त 15 से जिले के 12 तालुकाओं में रक्तदान खून से खत लिखने और कानूनी लड़ाई इसके लिए लड़ी जाएगी, बताया शरणप्पा सुनगार ने। बेंगलुरु घटना के पीछे SDPI संगठन का हाथ, गृह मंत्री। बेंगलुरु के DG हल्ली में हुई घटना को लेकर अपने RT नगर निवास में मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि पुलिस की गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हुई है। कल पूरा दिन मैंने इस इलाके का जायजा लिया है, बहुत सी जानकारियाँ सामने आई हैं। सब कुछ अभी मीडिया के सामने नहीं कहूँगा, आने वाले दिनों में बताऊँगा। इस घटना के पीछे SDPI संगठन के होने का सुराग मिला है। इस घटना के पीछे कोई भी हो कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, बताया गृह मंत्री ने। बेंगलुरु में आगजनी की घटना के पीछे कौन है पता चल रहा है, सचिव सुधाकर। कल बेंगलुरु के DG हल्ली और KG हल्ली में हुई घटना के बाद इस घटना में मरने वालों के घर पहुंचे कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान। इस बात को लेकर खफा हुए सचिव सुधाकर ने मीडिया से बोलते हुए कहा कि एक पूर्व मंत्री आरोपियों के घर जाता है, इससे ही पता चलता है कि इस घटना के पीछे कौन है। बेंगलुरु में ऐसी घटना की मैं मजम्मत करता हूँ। सार्वजनिक जायदाद को नुकसान पहुंचाने का हक किसी को भी नहीं है। इस नुकसान की भरपाई इन्हीं लोगों से करने में कोई हर्ज भी नहीं है, बताया सुधाकर ने। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, अखंड श्रीनिवास मूर्ति। तोड़फोड़ और आगजनी के बाद कावल संद्रा के घर पहुंचे कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति काफ़ी भावुक हुए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी किसी से भी दुश्मनी नहीं थी, हम सब यहां भाई भाई की तरह रहते थे। पता नहीं किस लिए आग लगाई गई, अच्छा हुआ कि इस घटना के दिन घर में कोई नहीं था। सब परिवार के सदस्य देवस्थान गए थे। अगर मेरे बहन के बेटे ने आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड किया है तो कानूनी लड़ाई लड़ी
जा सकती है थी। इस तरह आग लगाने से क्या होगा, अगर सीसीटीवी फुटेज देखे तो ये सब करने वाले मेरे क्षेत्र के लोग नहीं लगते। ऐसे लग रहा है कि धांधली करने वाले शायद बाहर से आए हुए थे, बताया विधायक श्रीनिवास मूर्ति ने। बेंगलुरु दंगे में शामिल लोग आतंकवादी हैं, सांसद मुनी स्वामी। बेंगलुरु के डीजी हल्ली और केजी हल्ली में हुई आगजनी की घटना को लेकर आज कोलार में बात करते हुए सांसद मुनी स्वामी ने मीडिया से कहा कि इस घटना को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये लोग हमारे नागरिक ही नहीं हैं। सोशल मीडिया में कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट नजर आए तो पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। कानून को हाथ में लेकर इस तरह प्री प्लान हंगामा नहीं करना चाहिए। इस घटना में शामिल एसडीपीआई और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या फिर कोई और भी संगठन हो, इसको गिरफ्तार करके कड़ी सजा देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की तरह ही सार्वजनिक जायदाद को नुकसान पहुंचाने वालों के घर और दूसरी जायदादें जब्त करनी चाहिए, बताया सांसद ने। तिरसदार कोविड 19 की चपेट में, जिला अधिकारी दफ्तर का काम स्थगित। तुमकुर जिला अधिकारी दफ्तर के तिरसदार की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने के बाद जिला अधिकारी दफ्तर को खाली करके सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। आसपास के दूसरे दफ्तर भी 3 दिन के लिए बंद किए गए हैं। सिबंदियों को 3 दिन तक दफ्तर न आने की सूचना दी गई है। जिला अधिकारी दफ्तर के दूसरे भाग में काम चालू है। पेड़ काटते समय गिरकर पीडब्ल्यूडी विभाग सिबंदी की मौत। गदग शहर के पीडब्ल्यूडी विभाग में सेवा कर रहे बसवराज नामक व्यक्ति जब दफ्तर के कैंपस में पेड़ काटते समय गिर गए तो गंभीर रूप से घायल इनको हुबली के किम्स अस्पताल में दाखिल किया गया था, पर इलाज कारगर ना होने पर इनकी मौत हुई है। परिवार वालों का कहना है कि एम्बुलेंस जल्दी नहीं आई तो प्राइवेट वाहन में पहले जिम्स अस्पताल ले जाया गया, मगर यहां के सिबंदियों ने दाखिला देने से इनकार किया तो हुबली ले जाना पड़ा, मगर इस बीच खून ज़्यादा जाने से मौत हुई। अगर जल्द से जल्द गदग में ही इलाज किया जाता तो बचने की उम्मीद थी, कह रहे हैं परिवार वाले। अनाथ बच्ची की रक्षा, अस्पताल में किया गया दाखिल। रायचूर जिला मास्की तालुका के हरोपुर ग्राम में न जाने किसने इस बच्ची को रास्ते के एक तरफ संगन्ना नामक व्यक्ति के खेत में छोड़कर गए। इसको देखते ही स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया। आरोग्य कवच एम्बुलेंस के चालक अमीर पाशा और सिबंदियों ने बच्ची को जमीन से उठाकर अस्पताल में भर्ती किया है। शंका जताई जा रही है कि लड़की होने पर बच्ची को छोड़कर गए माँ बाप। अस्पताल से सिद्धरामैया डिस्चार्ज। पिछले दिनों कोरोना वायरस से पीड़ित हुए विपक्ष नायक सिद्धरामैया आज मणिपाल अस्पताल से सियतयाब होकर घर लौटे हैं। 2 बार जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने के बाद ये घर लौटे हैं। अगस्त 3 को ये अस्पताल में भर्ती हुए थे। सिद्धरामैया ने इलाज करने वाले डॉक्टर्स का आभार प्रकट किया है। डॉक्टर्स की सलाह पर 1 हफ्ता घर में ही आराम करेंगे सिद्धरामैया। सितंबर में होगी डिग्री परीक्षाएं। आज मैसूर में मैसूर यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर जी हेमंत कुमार ने बताया कि कोविड वायरस के कारण पदवी की परीक्षाओं को मुलतवी किया गया था। अब MHRD की सूचना पर परीक्षाओं की तैयारी की जा रही है। पहले और दूसरे सालों की परीक्षा नहीं ली जाएगी, सिर्फ तीसरे साल की एग्ज़ाम ली जाएगी। अगर स्टूडेंट्स चाहेंगे तो 10 दिनों के लिए क्लासेस ली जा सकती हैं। तीसरे साल की परीक्षा सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में ली जाएंगी, बताया प्रोफेसर जी हेमंत कुमार ने। बैकलॉग अहदों की भर्ती की मांग। सरकार में बहुत सारे सरकारी पद खाली पड़े हैं, मगर सरकार इनको भर्ती करने में कोताही बरत रही है। इसी को देखते हुए SC ST निरुद्योगी युवक संघ के सदस्यों ने बीजापुर जिलाधिकारी के जरिए CM को मनवी पत्र सौंपा। राज्य में करीब 2000 से ज़्यादा खाली पद मौजूद हैं, मगर सरकार इनको भर्ती नहीं कर रही, जिसके कारण युवकों की उम्र खत्म होती जा रही है। 2001 से अब तक सरकार ने बैकलॉग अहदों की भर्ती नहीं की है, बताया संघ के सदस्यों ने।
कुष्टगी में बीसी ऊटा नौकरों का एहतजाज। कोप्पल जिले के कुष्टगी तालुका में तालुका पंचायत के सामने बीसी ऊटा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सीआईटीयू के सदस्यों ने भी इनका साथ दिया। अब तक बीसी ऊटा कार्यकर्ताओं ने क्वारंटाइन में रहने वालों के लिए खाना बनाया है, उसी तरह दूसरे कई काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किए हैं, मगर सरकार वेतन देने में देरी कर रही है। सरकार के विरुद्ध आक्रोश जताते हुए अध्यक्ष कलावती ने सरकार से आग्रह किया कि 6 महीने का राशन और इन लोगों को पेंशन मुकर्रर करने की मांग की। इस प्रदर्शन में तालुका अध्यक्ष अन्नपूर्णा, तालुका सीआईटीयू के सेक्रेटरी कासिम साहब वगैरह सदस्य भागी रहे। रास्ते के पास मौजूद दुकानों को हटाने का आग्रह। बीदर जिला बसव कल्याण में मुख्य रास्ते के दोनों तरफ गैर कानूनी तौर पर शेड का निर्माण करके कुछ लोग व्यापार कर रहे हैं, जिसके कारण यातायात में काफ़ी दुश्वारी हो रही है। इसी को देखते हुए बसव भवन पहुंचे बीजेपी के पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन कुबा ने नगर सभा अधिकारियों से कहा कि शेड बनाने वाले व्यापारियों को जल्द से जल्द खाली किया जाए, ताकि आने जाने वालों को कोई तकलीफ ना हो। आज से कर्नाटक में पीयूसी फर्स्ट के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू। एसएसएलसी परीक्षा परिणाम कर्नाटक में रिजल्ट जारी किया गया है। राज्य सरकार ने सभी स्थानीय कॉलेजों में प्रवेश की मंजूरी दी है। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस विभागों के लिए फर्स्ट पीयूसी प्रवेश आज से शुरू होगा। प्रवेश की प्रक्रिया उन सभी कॉलेजों में निर्देशित की गई है जहाँ ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। जिन कॉलेजों के पास ऑनलाइन प्रवेश का विकल्प नहीं है, वे हमेशा की तरह सीधे दाखिले ले सकते हैं। इस मामले में सामाजिक अंतर, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य है। साथ कोरोना के आड़ में पिछले साल की तुलना में प्रवेश का शुल्क यानी फी नहीं बढ़ाई जाएगी। सरकार की ओर से सख्त आदेश किया गया है। राज्य का गृह विभाग पूरी तरह से विफल है। बोमाई एक नाअहल मंत्री, कांग्रेसी नेता मनोहर का आरोप। बेंगलुरु में मौर्य सर्कल के पास राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसी नेता मनोहर ने कहा कि बेंगलुरु के कावल भैर संद्रा दंगे के मामले में राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही है। गृह मंत्री बसवराज बोमाई कानून की व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हुए हैं और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। राज्य में कानून सुव्यवस्था बिगड़ गई है, ऐसे स्थिति पैदा हो गई है कि राज्य के शासक भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार में लिपटी हुई सरकार सिर्फ धर्म के नाम पर गंदी राजनीति कर रही है, कहा कांग्रेसी नेता मनोहर ने। श्रृंगेरी में शंकराचार्य की मूर्ति पर SDPI का झंडा। बेंगलुरु में KG हल्ली और DG हल्ली के दंगे अभी खत्म भी नहीं हुए, इसकी आग अभी सुलग रही है। इसी के चलते साथ साथ एक और विवादित घटना सामने आई है। चिकमंगलूर जिले के श्रृंगेरी में शंकराचार्य की मूर्ति पर SDPI संगठन का झंडा दिखाई दिया है। इस घटना पर अपना विरोध जताते हुए पूर्व मंत्री DN जीवराज के नेतृत्व में मठ के भक्तों ने प्रतिभटन करते हुए संबंधित आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की और कहा कि यह काम कांग्रेसी नेता और तालुका नगर पंचायत के सदस्य रफीक का है और SDPI के संगठन के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। रफीक और 4 स्थानियों को अरेस्ट कर लिया गया है। रफीक को पट्टन पंचायत के पद से इस्तीफे की मांग की पूर्व मंत्री DN जीवराज ने। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।